नमस्कार, नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा से जुड़ी खबरों की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अमर्यादित टिप्पणी पर जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल तेजस्वी का सदन में बड़बोलापन दिखा। सदन में अपना भाषण देते हुए उन्होंने कह दिया कि कैसे कैसे लोग मंत्री बना दिए जाते हैं। इस पर गुस्साए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सदन में उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। वहीं नंद किशोर यादव ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए तेजस्वी को नसीहत दी। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलने और विपक्ष की भागीदारी पर चर्चा की गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी कानून को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। बीते शनिवार को कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई भी हुई थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम प्रतिनिधि मौजूद थे। सोमवार को बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने बीते दिनों सुपौल में हुए सामूहिक हत्याकांड पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। माले विधायक मनोज मंजल ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार के कारण धरातल पर सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं, जिससे इसका फायदा जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा, जिस कारण लोग आर्थिक मंदी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं बैंकों के निजीकरण के खिलाफ माले नेताओं ने सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए। कृषि के विकास में, औद्योगिक आर्थिक विकास में देश के राष्ट्रीय बैंकों का केंद्रीय भूमिका है। बैंकों का निजीकरण होगा तो अस्थाई और सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, और जो बैंकों के निजीकरण होंगे तो SC ST OBC के आरक्षण समाप्त हो जाएगा, 12 घंटे काम होंगे और लोगों के कड़ी। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी हो गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। इसी के तहत बिहार लौट रहे सभी प्रवासियों की कोरोना जाँच करवाई जा रही है। रेलवे निश्चित रूप से जो कोरोना के मामले देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ रहे हैं, उसको लेके हम सतत निगरानी रखे हुए हैं और हम उसके प्रति गंभीर भी हैं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि विगत कुछ दिनों में हमने अपने विभाग के प्रधान सचिव सहित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना की जाँच को बढ़ाया जाए, और जो रेलवे स्टेशन हैं या बस स्टैंड हैं वहाँ पर रैंडम जाँच की व्यवस्था शुरू की जाए। और विगत कुछ दिनों में जांच का क्रम बढ़ा भी है, और आज भी मैंने प्रधान सचिव को इस बात का निर्देश दिया है। और आज शाम को भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा से विधायक गोपाल मंडल अपने कारनामों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इस बार गोपाल मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में JDU विधायक ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो महाशिवरात्रि के मौके पर है। महाशिवरात्रि पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक मंच पर महिला डांसरों के साथ ठुमके लगाते हुए दिखे। खूंटी में नर्सिंग छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। BJP ने हुए होरा नर्सिंग संस्थान में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना को लेकर सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार से मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। BJP विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता ने कहा कि खूंटी जिले में जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेज की छात्रा के साथ घटना हुई है, यह काफी निंदनीय है। साथ ही पुलिस पर मामले की लिपापोती करने का भी आरोप लगाया। दरअसल बीते दिनों खूंटी जिले में होरा नाम के NGO के नर्सिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक बबलू उर्फ परवेज आलम पर छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसमें पुलिस ने की गिरफ्तारी भी की थी। इस राज्य में जब से हेमंत जी की सरकार बनी है, तब से आज इस राज्य में 6 साल से बच्ची से लेके 60 साल की बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन इस राज्य में
एक साल में देखे लगातार महिलाएं और बेटियां किस तरह से रेप हो रही है और उसे हत्या किया जा रहा है। उसी के तहत अभी खूंटी कॉलेज में जो छात्राओं के साथ जो इस तरह से घटना घटी है, ये हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव को भाषा पर संयम रखने की सलाह देते हुए आगाह किया कि अगर तेजस्वी सदन के भीतर माननीयों को अपमानित करना बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की भाषा ये उनकी भाषा नहीं है, ये लालू परिवार का कल्चर ऐसे ही ना है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी भी इसी शब्दों का प्रयोग करते थे, आज तेजस्वी यादव जी भी उसी परिपाटी पे आगे जा रहे हैं। ये अपने दल के नेताओं को अपमानित करने वाले लोगों को से बिहार की जनता को यही उम्मीद है, लेकिन सदन के अंदर जो ये कर रहे हैं ये कहीं से ठीक नहीं है। मंत्री रामसूरत राय पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर युवा राष्ट्रीय जनता दल ने मंत्री रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग की। साथ ही नीतीश सरकार को कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन करने की धमकी दी। मौके पर मौजूद पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। मंत्री को तो अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। जिस तरह से विधानसभा के अंदर हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष के तेजस्वी जी ने जिनको बोलने नहीं दिया, उन्हें प्रूफ के साथ सब कुछ साबित रखे कि ये मंत्री जी का स्कूल है, हम प्रूफ दे रहे हैं। उन्होंने प्रूफ मानने से इनकार किया और आसन जो है, आसन पर जो बैठे हुए हैं सभाध्यक्ष, उन्होंने बोलने से भी। देवघर में बीजेपी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रामेश्वर उरांव को गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल रामेश्वर उरांव पर बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती हुजूर के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने वित्त मंत्री को तत्काल माफी मांगने के लिए कहा। हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आरती कुजूर जी जो शांतिपूर्वक अपना मुख्यालय कांग्रेस के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसमें जो उनके नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे जी, उनका मुंह रोकने का तो मुंह बंद किए, जिसके विरोध में आज हम लोग रामेश्वर उरांव जी का पुतला दहन किए हैं कि वो माफ़ी मांगे, आलोक दुबे माफ़ी मांगे, नहीं तो आज तो पुतला दहन हुआ, उसके बाद हम लोग उग्र प्रदर्शन।